राधे राधे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। वेलकम टू माय अनदर न्यू कुकिंग ब्लॉग। आज मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, टेस्टी, कलरफुल एंड यम सी रेसिपी लेके। तो मेरे हाथों में है कटहल, जो कि ज़्यादातर समर्स में ही पाया जाता है, और समर में इतनी गर्मी में ना किचन में रहने का बहुत ज़्यादा मन नहीं करता है। दूसरी बात ये है कि चाहे कितने ही बेनिफिट हो कटहल खाने के हमारे बॉडी के लिए, लेकिन फिर भी इसे काटने से ही ना हमें डर लग जाता है। एक तो गर्मी है, गर्मी में बैठकर इतने देर तक इसे काटना पॉसिबल नहीं होता है। दूसरी बात है, इससे इतना ज़्यादा कस निकलता है, हाथों में एकदम चिपक जाता है, तो फिर वो ना हमारे हाथों से निकलता है और ना ही हमें उससे बहुत ईजीली छुटकारा मिलता है। तो हम कटहल से इस वजह से दूर रह जाते हैं, लेकिन इसे खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है जिन्हें पसंद है उनके लिए। तो आज मैं इसीलिए एक इजी सा ट्रिक आपके साथ शेयर करने आई हूँ। सबसे पहले ना क्या करें, कटहल को साबुत ही धो लें अच्छे से, और धोने के बाद उसे अपने हाथों में अच्छे से मस्टर्ड ऑयल लगा लें और चाकू में भी लगा लें अगर आप चाकू से काट रहे हो तो। और कटहल को रफली चॉप कर लीजिए, बड़ा बड़ा। और उसके बाद उसे इस तरीके से, मैंने ना एक मतलब जो पेपर, टिश्यू पेपर ले लीजिए, उससे आप इसको क्लीन कर लीजिए। अगर उसमें थोड़ा सा कस और निकलता है तो आप उसको क्लीन कर लीजिए टिश्यू पेपर के हेल्प से, और फिर उसको इस तरीके से डाल लीजिए कुकर के अंदर। फिर डाल दीजिए इसमें मस्टर्ड ऑयल 1 टेबलस्पून कम से कम, और उसके बाद पानी डाल के इसे चढ़ा दीजिए गैस पर बॉयल होने के लिए। तो ये कितने देर में बॉयल होगा ये आपके वहाँ के पानी के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने तो 8 सीटियाँ लगाई थी। तो जब तक कटहल बॉयल होके ठंडा हो तब तक मैं हम यहाँ मसाला रेडी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया है 2 हरी मिर्च और कुछ अदरक का टुकड़ा मैंने लिया है यहाँ पर 1.5 इंच के करीब, और 2 टमाटर लिए हैं, एक बड़ा है और एक छोटे साइज़ का है। तो इसे मैं डाल रही हूँ मिक्सी के जार में, ये चटनी वाला जार है। इसमें मैं क्या करूँगी, इसे अच्छे से फाइन पेस्ट बना लूँगी। तो देखिए मसाला हमारा ये वाला रेडी हो गया है, और तब तक मैं कटहल भी आराम से निकल गए हैं। मैंने इसे एक बार धो लिया है और ये ठंडे हो गए हैं। मैंने रख दिया था इसे फ़ैन के नीचे, तो ये जल्दी ठंडे हो गए हैं। अब देखिए इन्हें काटना मैजिक, देखिए कितने आसानी से ये कट जा रहे हैं, हम इसे आसानी से क्लीन कर पा रहे हैं। तो इसमें ना टाइम भी बहुत कम लगता है और जल्दी से हो जाता है। हाथ, चाकू या हमारा फ्लोर कुछ भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है, बहुत इजीली ये कट हो जाता है। ये तो मैंने छोटे छोटे पीसेस किए हैं, अगर आप बड़े बड़े पीसेस भी करेंगे तो वो भी ये बहुत अच्छे से बॉयल हो जाएगा। देखिए इस तरीके से ये बॉयल हो गया है, बहुत अच्छे से हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं है और एकदम क्लीन है, इसका कस सारा निकल चुका है। देखिए मैं एक बड़ा टुकड़ा भी आपको पील करके काट के दिखाती हूँ कि ये कैसे कितनी आसानी से हो जा रहा है। देखिए कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है एकदम, और खाने में भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने इसे को स्किन के साथ बॉयल किया था, ऐसा कुछ भी टेंशन इसमें या वैसा वाला फ्लेवर कुछ भी कस नहीं रहेगा इसमें। तो मैंने सारे कटहल को ही क्लीन कर लिया है, अब मैं इसे हाथों से इस तरीके से मैश कर रही हूँ। अगर आप पोटैटो मैशर का यूज़ करना चाहते हैं तो भी कर पाएंगे, तो मैं हाथों से कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के पोटैटोज़ को मैंने बॉयल करके रखा है, उसे मैं इसमें डाल दिया, मैंने बॉयल पोटैटोज़ को मैश करके। फिर मैंने इसमें डाला है हल्दी, यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून हल्दी डाला है, 1 टीस्पून जीरा का पाउडर और 1 टीस्पून धनिया का पाउडर। फिर हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून मैंने यूज़ किया है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप 1 टीस्पून या उससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सूखे हुए अदरक का पाउडर, यानी कि सौंठ का पाउडर। अगर आप चाहें तो आप नॉर्मल अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। फिर हम डालेंगे नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और इसे हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। पहले हम मसालों को आलू और कटहल के साथ मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, थोड़ा हाथों से मतलब मसल मसल कर हमें मिक्स करना है। और इसके साथ ही अब मैं बाइंडिंग के लिए इसमें डालूँगी बेसन, तो मैं यहाँ पर 4 टेबलस्पून बेसन का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मिक्स हो चुका है, बिल्कुल सूखा सूखा मिक्स करना है। मैंने इसमें सिर्फ 1 चम्मच, वो जो खाने वाला चम्मच होता है उसका 1 चम्मच पानी यूज़ किया था। अगर ज़्यादा सूखा हो जाता है, कटहल की क्वालिटी अगर ज़्यादा सूखी होगी तो आप थोड़ा सा ज़्यादा पानी यूज़ कर पाएंगे। फिर हम इस तरीके से एक पोर्शन ले लेंगे और इसका गोल गोल बॉल्स बना लेंगे।
आप छोटे बड़े मीडियम किसी भी साइजेस के बॉल बना सकते हैं इस तरीके से। थोड़ा सा पहले हाथों से इसे दबा दबा कर करें, उसके बाद हाथों हथेली के ऊपर रख के इसे गोल गोल बॉल्स बना लें। पहले हम कुछ बॉल्स बना लेंगे, और साथ ही इधर मैंने मस्टर्ड ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ये वाला जो खाना है ये पूरा मस्टर्ड ऑयल में बनेगा। तो तेल मेरा पूरा हाई फ्लेम पे गर्म हो चुका है, लेकिन मैं ना पहले एक बॉल डालकर देख रही हूँ कि इसका बाइंडिंग सही है कि नहीं। आप भी इस तरीके से चेक कर लें। तो एक तो अच्छे से फ्राई हो गया है, तो अब हम इसे उठा लेंगे। हमेशा ही जब हम कुछ मतलब इस तरीके से पकौड़े या कोफ्ते बनाते हैं तो हम एक डालकर अगर चेक कर लेंगे ना तो वो सही रहता है। तो ये उठ गया है। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने बॉल्स बनाए हैं उसे मैं इसमें डालूँगी, लेकिन अभी गैस का फ्लेम लो में करके डालेंगे। अदरवाइज़ जब आप डालेंगे आपके हाथों में ऑयल बाहर आकर या छींट कर लग सकता है। देखिए मैंने दोनों ही साइजेस के बनाए हैं, बड़े भी बनाए हैं छोटे भी बनाए हैं। एक बार में कढ़ाई में जितना आएगा उतना आप डाल दें, थोड़ा सा कम डालें क्योंकि जब हम इसे टर्न करेंगे तो फिर थोड़ा सा अगर कम रहेगा कढ़ाई में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक साइड जब बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब हम इसे उलटेंगे या पलटेंगे अदर साइड में, और इसी तरीके से उलट पलट कर हम सभी साइड्स को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और हाई फ्लेम पे ही ये फ्राई होगा, लो फ्लेम नहीं करना है। लो फ्लेम करेंगे ना तो फिर सारा ऑयल पटेटो वगैरह इसमें डाले हुए हैं सोक कर लेंगे, और हमारे पकौड़े बहुत ज़्यादा ऑयली बन जाएंगे और खुल भी जाएंगे। इसी तरीके से हम सारे पकौड़ों को या कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ, जब तक कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं मैं यहाँ पर गीला मसाला मतलब सूखा मसाले को मैं गीला कर रही हूँ। तो थोड़ा सा मैंने पानी लिया है, उसमें डाल दिया है हल्दी का पाउडर। यहाँ पर मैंने 1.5 टीस्पून हल्दी का पाउडर डाला है, फिर 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया का पाउडर एंड 1 टीस्पून जीरा पाउडर डाला है। जितना मैंने धनिया पाउडर लिया है उसका डबल लिया है जीरा पाउडर। फिर सारे कोफ्ते फ्राई हो गए हैं, जितना ऑयल था वो मैंने निकाल लिया है। यहाँ पर 2 टीस्पून के लगभग मैंने ऑयल रखा है, उसमें डाला 1 टीस्पून साबुत जीरा, 2 सूखे वाले लाल मिर्च को तोड़ के मैंने डाले हैं और 2 तेज पत्ते। अब हम इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे, मतलब इनको अच्छे से चटकने देना है, अच्छे से खुशबू इनकी निकल जाएगी। तो जिन सूखे मसालों को हमने गीला किया था वो हम इसमें डाल देंगे, और डाल के हम 1 मिनट तक पहले फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद हम डालेंगे जो हमारा गीला मसाला था, टमाटर अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, वो फिर हम इसे फ्राई करेंगे। तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कच्चापन ना चला जाए और थोड़ा थोड़ा ऑयल इसमें से रिलीज़ ना हो जाए। तो ये जब तक फ्राई हो रहा है तब तक मैं क्या करूँगी, इसमें डालूँगी दही। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है दही, ये दही है 4 टेबलस्पून दही मैंने यहाँ पर लिया है, खट्टा नहीं है ये दही। आप अगर खट्टा भी बनाना चाहते हैं तो खट्टा दही भी डाल पाएंगे, उसे फेंट कर आप यहाँ पर डालें। आप दही की क्वांटिटी को अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर दही मिला दिया है, मसाला जब फ्राई हो गया तो मैंने दही मिलाया, और दही को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और फिर मैं डाल रही हूँ नमक। तो नमक डालने के समय ये ध्यान रखना है कि हमने कोफ्तों में भी नमक डाला है तो फिर हम इसमें उबाल आने के लिए छोड़ेंगे। तो उबाल जब इसमें थोड़ा थोड़ा आने लगेगा तो हम कोफ्ते इसमें एक एक करके, एक साथ में सारा ना डालें अदरवाइज़ टूट जाएंगे, एक एक करके डालेंगे। तो आप जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं उसके हिसाब से आप पानी डालेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए थी इस वजह से मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला। आपको अगर बहुत तरी वाली सब्ज़ी खानी है तो आप आराम से रख सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर मिला दिया, जब उबाल आने लगा तो मैंने यहाँ पर मिलाया है 1/4 टीस्पून गरम मसाला, और मैं अब इसे गैस को ऑफ़ कर दूँगी। बहुत अच्छे से ये उबल चुका है, एक बार ही उबालना है, ज़्यादा नहीं उबालना है। और कोफ्तों को जब हम डाल देंगे तरी में तो हम बहुत ज़्यादा इन्हें हिलाएंगे नहीं, अदरवाइज़ ये टूट जाएंगे। तो देखिए गैस मैंने ऑफ़ कर दिया है और सब्ज़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और जो ग्रेवी आपको दिख रही है, थोड़ा सा जब ये ठंडा हो जाएगा मतलब 10-15 मिनट बाद, ये जितनी ग्रेवी आपको दिख रही है वो सारा ये कोफ्ते सोक कर लेंगे और ये बिल्कुल सूख जाएगा। बट ये जो सब्ज़ी है इसे आप रोटी, पराठा, चावल किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा यम लगती है खाने में। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरीके के अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, राधे राधे, थैंक यू एवरीवन।